हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, दैट्स ग्रेट। स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंग्लिश के क्रम में हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम में लेके आए हैं आज एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो आर यू गेम फॉर इट? हियर वी गो। तो आज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज am, are, was, were plus verb plus ing, ठीक है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है, यानी कोई काम है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, वो प्रोग्रेस में है, काम के प्रोग्रेस को दिखाता है। ये कंटिन्यूटी दो प्रकार की हो सकती है, पास्ट कंटिन्यूटी और प्रेजेंट कंटिन्यूटी। फ्यूचर की कंटिन्यूटी भी होती है, लेकिन उसको हम आज डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। दो प्रकार की, यानी कोई काम पास्ट में चल रहा था तो दैट इज पास्ट कंटिन्यूटी, और कोई काम वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो वो हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूटी। अगर हम टाइम लाइन पे दिखाएं इसको, तो सपोज ये प्रेजेंट की कंटिन्यूटी दिखाएं हमने आपको, तो प्रेजेंट आप जो है यहां पे, ठीक है, तो ये काम कहीं इधर स्टार्ट हुआ होगा और ये आगे तक ये चल रहा है प्रोग्रेस में। इसी प्रकार पास्ट की जो कंटिन्यूटी है उसमें भी पास्ट में जब जिस टाइम की बात की जा रही है, पास्ट में जिस टाइम की बात की जा रही है उस टाइम वो काम प्रोग्रेस में था, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब पे हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हमें प्रेजेंट की क्वांटिटी दिखानी हो तो इज, एम, आर का प्रयोग होगा, और पास्ट की क्वांटिटी को दिखाना हो तो वाज और वर का प्रयोग। सेस स्ट्रक्चर वैसे ही, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट है आई, ठीक है, वी भी हो सकता है, ठीक है, ही भी हो सकता है, ठीक। अगर हमारे पास आई हो, प्रेजेंट की क्वांटिटी की जहां तक बात है, आई हो तो आई के साथ लगेगा एम, ठीक है, ही, शी, इट और जो भी अदर सिमिलर नंबर हो, ठीक है, उसके साथ लगेगा हमारा नेम, उसके साथ लगेगा इस, और यू, वी, दे, नेम्स, इनके साथ रहेगा आ, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हमने तीन सब्जेक्ट लिए, हमने आई, वी, ही, और हम कोई भी एक वर्ब ले लेंगे, ठीक है, सपोज प्ले, आई तो आई के साथ आएगा हमारा एम, यहां भी हमने लिखा हुआ एम, आई एम, ठीक है, और वर्ब भी हमने क्या, सपोज प्ले, और प्ले जो वर्ब है इस वर्ब पे लगा देंगे आई जी, आई एम प्ले, आई एम प्ले, ठीक है। यहां पे आप वो भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी लिख सकते हैं, आई एम प्लेइंग व्हाट, आई एम प्लेइंग व्हाट, मैं क्या खेल रहा हूं, ठीक है, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं, फुटबॉल खेलने का प्रोग्रेस में चल है, ठीक है, ये काम स्टार्ट हुआ, ये काम अभी चल रहा है और अभी एंड नहीं हुआ, ठीक है, तो ये काम प्रोग्रेस में चल रहा है, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, वी के साथ
हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आप, वी आर। अब आप वर्ब प्लेइंग रख दो या कोई और ले लो, रीड कर दो, वी आर रीड और रीड पे आईएनजी, रीडिंग और आप उसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा दो, वी आर रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। इसी प्रकार ही है, तो ही के साथ आप हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे जरा बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और चैट बॉक्स में लिखिए कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए। लिख दिया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ही के साथ आएगा ही, शी, इट, नेम, इच। ही के साथ ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, राइटिंग व्हाट, राइटिंग व्हाट, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। ये हमें प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी को दर्शा रहे हैं, प्रेजेंट में काम प्रोग्रेस में है, ठीक है, काम स्टार्ट हुआ और ये अभी चल रहा है, ठीक है। अगर हमें पास्ट की कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, ठीक है, तो पास्ट की कॉन्टिन्यूटी दिखा सकते हैं, अगर चाहो तो आप एक सब्जेक्ट ये ले लीजिए, आई, वी, ही, ठीक है, आई है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? अब यहां हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट की क्वांटिटी है तो हेल्पिंग वर्ब आई, ही, शी, इट, ने, इसके साथ आएगी वॉच, ठीक है, और यू, वी, दे और नेम्स के साथ आएगी व्हाट, ठीक है। जो ये पास्ट की जो क्वांटिटी होती है नॉर्मली ये सेंटेंसेस अकेले नहीं आते, ठीक है, इसके साथ कुछ और भी आता है, तो पहले हम इसको बनाते हैं आई और आई के साथ वॉज, ठीक है, ठीक है, प्ले, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो जैसे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, तो ये सेंटेंस अकेला नहीं आता, सपोज इसके साथ ऐसा ऐसा आ सकता है कि जब मैं उसके घर गया, जब मैं मोहन के घर गया, जब मैं सीता के घर गई, या जब मैं राम के घर गया, या जब राम मेरे घर आया, ठीक है, जब राम मेरे घर आया आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, जब मैं मोहन के घर गया ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से आता है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में आता है नॉर्मली, ठीक है। तो अभी आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, आपको पास्ट के सेंटेंसेस, पास्ट कंटिन्यूटी के सेंटेंस बनाने, तो काम प्रोग्रेस में था, जब वो मेरे घर आया तो उस टाइम मैं कोई काम कर रहा था, वो प्रोग्रेस में था, काम करने का, फुटबॉल खेलने का काम प्रोग्रेस में था, ठीक है। इसलिए हम इसको कंप्लीटेड एक्शन में रखते हैं, पहले मैं कॉन्स्टिट्यूट में रखते हैं, तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वी, वी के साथ क्या आएगा, वर, वी वर प्लेइंग, वी वर और वर्ब ले लीजिए, उसे रीडिंग, वी वर रीडिंग अ बुक, वी वर रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा था, ठीक है, मैं बुक पढ़ रहा था। थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने मात्र से सेंटेंस का सेंस चेंज हो गया, वहां मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वी आर रीडिंग अ बुक, हम बुक पढ़ रहे हैं, और यहां वी वर रीडिंग अ बुक, हम बुक पढ़ रहे थे, केवल हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से सेंस चेंज हो गया। ही के साथ क्या आएगा अगेन, ही के साथ वॉच, ही वॉच राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा था। अगेन यहां काम क्या है, पास्ट में प्रोग्रेस में था, चल रहा था, ठीक है, तो मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन मांगते हैं, इस प्रकार से आते हैं, जब मैंने उसको फोन किया तो वो
क्या कर रहा था, लेटर लिख रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेना है, ठीक। और आपको मैंने यहां हेल्पिंग वर्ब दे रखे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को लेनी है, पास्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं, पास्ट क्वांटिटी के, प्रेजेंट क्वांटिटी के सेंटेंस बनाने। वर्ब आप कोई ले लीजिए, लेकिन आपका सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो सेंस को बना रहा हो, ठीक है। हाँ, सेंस कोई ना कोई सेंस दे रहा हो, ठीक। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले, सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ये कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आगे आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए। बाय बाय।